Hello guys, myself Hariom Daur and I am a student of BSc Forensic Science in Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore and I am here to giving some information about computer forensics. तो आज हम बात करेंगे computer forensics की. Computer forensics बहुत ही important topic बन गया है आजकल के time पे. इसका एक reason ये भी है क्योंकि most of the people in the world are connected with internet and we can get easily answer of every question on internet. चाहूँ या ना चाहूँ मुझे computer पे या internet पे आना पड़ रहा है. उसका कारण ये है कि मेरा बैंक मुझे बोलता है कि इंटरनेट से ट्रांजैक्शन कीजिए. अगर मुझे कोई एग्ज़ाम देनी है या उसका फॉर्म भरना है तो मुझे बोलते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरिए. तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट पे हो रही है या कंप्यूटर पे हो रही है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल निकल के आ रही है, वो है कंप्यूटर फोरेंसिक्स. और इन सब चीज़ों के कारण आजकल कंप्यूटर फोरेंसिक्स में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर फोरेंसिक्स. Computer forensics is the process of identifying, preserving, analyzing and preventing digital evidence in a manner that is legally acceptable. Computer forensics होता क्या है? ये एक process है जिसमें सबसे पहले identify किया जाता है, preserve किया जाता है, analyze किया जाता है and then उसके बाद present किया जाता है. किस चीज़ को? Digital evidence को. यहाँ पर जो evidence है वो digital evidence है. ये इसलिए क्योंकि इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो इस मैनर में करते हैं कि वो लीगली एक्सेप्टेबल हो. कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो लीगली एक्सेप्टेबल हो. तो चाहिए क्या आपको एविडेंसेस? व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस एविडेंसेस? बिकॉज बहुत सारे कंप्यूटर का मिसयूज हो रहा है, दैट इज़ व्हाई वी रिक्वायर. तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम अरेस्ट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट को. इससे जो फ्यूचर में होने वाले जो भी क्राइम्स वगैरह है जो उसको हम रोक सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा फोरेंसिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना और उसके बाद प्रेजेंट करना. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट दैट कैन लीड टू द पनिशमेंट ऑफ द एक्चुअल. इट मीन्स वी हैव टू गिव कलेक्ट एविडेंस ताकि हम किसी को पनिशमेंट दिला सकें. नेक्स्ट टॉपिक, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसका मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी बने रहे. देखिए, अगर कोई कोड ऑफ लॉ नहीं है, इसके प्रति एविडेंसेस नहीं जानते लोग कैसे निकालेंगे, या मैं कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके किसी के साथ बच के निकल जाऊँगा क्रिमिनल एक्टिविटी करके. अगर ऐसा है तो हर कोई ये करेगा क्योंकि आजकल हर लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपको ये इंटीग्रिटी लानी है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि लोग डरे, लोगों को पता रहे कि अगर उनने कुछ गलत करा तो उनको सज़ा मिलेगी. नेक्स्ट, टू फोकस ऑन द रिस्पॉन्स टू हाईटेक ऑफेंसेस स्टार्टेड टू इंटरट्विन. देखिए, लोग बहुत हाईटेक हो गए पर ये उनके लिए भी है कि अगर उनने कुछ गलत करा तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी. मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. कंप्यूटर फॉरेंसिक की 30 साल पहले शुरुआत हुई थी यूएस में और वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट्स एंड मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने देखा कि वहाँ के जो क्रिमिनल्स है वो बहुत टेक्निकल हो गए हैं. टेक्निकल यानी वो डायरेक्ट ना करते हुए इनडायरेक्ट. देखिए, ऐसा होता है कि आप कोई सिस्टम पर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कमेंट कर दो या कुछ भी लिख दो तो आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है. आप एक तरीके से वर्चुअली एक्चुअल काम कर रहे हैं. पिछले कई सालों से सिर्फ यूएस में नहीं, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में बहुत चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई है. फिर उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट की जो मिलिट्री थी उन्होंने इस चीज़ को चालू रखा, सिक्योरिटी को, कंप्यूटर फोरेंसिक्स की. नाउडेज जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो नए नए सॉफ्टवेयर बना रही है फॉरेंसिक के, क्राइम को कम करने के लिए. तो जो लॉ इन्फोर्समेंट मिलिट्री है वो बहुत पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने जो भी उनके साथ वाले हैं उनको, ताकि जो भी प्रॉब्लम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको कम किया जा सके. तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स का गोल क्या है, उसका जो मेन एम क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एविडेंसेस निकालें और उस एविडेंस को इस तरीके से रखें ताकि जो क्रिमिनल है उस पर लीगल एक्शन किया जा सके. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, साइबर क्राइम एंड एविडेंस. साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम ऑकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कमिट, कंसील एंड ऑफेंस. तो साइबर क्राइम ये होता है जब कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए कोई चीज़ को ऑफेंस करने में, या उस चीज़ को कमिट करने में या कंसील करने में, या तो छुपाने में या तो उसको अंजाम देने में. टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बहुत सारे टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के. चाइल्ड पॉर्न,
कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, कॉपीराइट वायलेशन होता है, ये मोस्ट ऑफ द मतलब मेन है, किसी की भी कोई भी चीज़ ले लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, नारकोटिक इन्वेस्टिगेशन, थ्रेड, बर्गलरी, सुसाइड, ऑब्सेनिटी, होमिसाइड, हत्या, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन, सेक्शुअल असल्ट, स्टॉकिंग एक्सेट्रा. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल एविडेंस. What is digital evidence? Any data that is recorded or preserved on any medium in or by a computer system or other similar device that can be read or understand by a person or a computer system or other similar device, it includes a display print out or other out of that data. Digital evidence kya hota hai? Digital evidence ya koi data koi jo koi record ho jaye, preserved ho jaye in koi bhi computer system mein या और कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम में जो बाद में पढ़ा जा सके या समझा जा सके कोई भी कंप्यूटर सिस्टम से, इसमें डिस्प्ले होता है, प्रिंट होता है या कोई और आउटपुट होता है, जो भी हो सब ये डिजिटल एविडेंस में आते हैं. टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंसेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंसेस, परसिस्टेंट डाटा और वॉलेटाइल डाटा. परसिस्टेंट डाटा में आ जाएगा जब कोई आप कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, पर आपका डाटा वैसा कि वैसा ही रहेगा, वो हटेगा नहीं. और इन वॉलेटाइल डाटा में हो जाता है अगर आप कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आपकी जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, रजिस्ट्री है और टेम्परेरी जो भी उसकी फाइल है, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो सब अपने आप चली जाती है. हम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ एविडेंस. सबसे पहले तो आप लोग इसके रूल समझिएगा. एडमिसेबल, मस्ट बी एबल टू बी यूज इन कोर्ट और एल्सवेयर. मतलब जो भी डाटा होता है वो कोर्ट में यूजफुल होना चाहिए, मतलब एडमिसेबल होना चाहिए कोर्ट उसके द्वारा. ऑथेंटिक होना चाहिए यानी किसी न किसी एविडेंस से रिलेटेड होना चाहिए. कंप्लीट होना चाहिए यानी ऐसा हो कि वो हमें किसी सस्पेक्ट की तरफ ले जा सके. रिलायबल होना चाहिए यानी कि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी और वेरिसिटी पे कोई भी सवाल नहीं लग जाए. बिलीव होना चाहिए मतलब कोई जो जूरी बैठी हुई है उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बात सही है. और एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो जूरी है वो मतलब समझदार है और हमें इस हिसाब से समझाना पड़ेगा कि उनको समझ आ जाए और वो उस हिसाब से जजमेंट ले सके. टॉप 10 लोकेशन फॉर एविडेंस. फर्स्ट, इंटरनेट हिस्ट्री फाइल्स, मतलब आपकी जो भी इंटरनेट की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में हम एविडेंसेस ढूंढ सकते हैं. आपकी जो टेम्परेरी इंटरनेट की फाइल्स है उनमें हमको एविडेंस मिल जाएंगे. जो आपके स्लैक्स है, अनअलोकेटेड स्पेस है, वहाँ पर मिल सकते हैं. या आपके जो भी पर्सनल चैट्स है, आपके रूम्स, रिकॉर्ड्स और जो भी आपका सेव्ड एरियाज है जहाँ पे आप कुछ अपना डाटा वगैरह सेव कर रहे हैं, वो डाटा हम रिकवर कर सकते हैं आसानी से अगर वो कोई एविडेंस से रिलेटेड हो तो. आपके जो भी न्यूज़ ग्रुप्स है, क्लब लिस्ट है, पोस्टिंग, मतलब आप जो भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं उनसे भी हम पता लगा सकते हैं. और आपकी जो भी सेटिंग्स है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, फाइल्स नेम है या फाइल स्टोरेज डाटा से, मतलब आपके कंप्यूटर में आपने कहीं पर भी कुछ भी डाटा रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ क्राइम कर रहे हो और उस चीज़ से रिलेटेड है और आपको लगता है कि आप उस चीज़ को डिलीट करके बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ रिकवर हो जाएगी. आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और फाइल शेयरिंग एबिलिटी है और ईमेल जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है एविडेंसेस में. मोस्ट ऑफ द इन क्राइम ईमेल्स वगैरह यूज़ होते हैं सब चीज़ बताने वगैरह के लिए, तो मेन चीज़ ईमेल है. ईमेल बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है. नेक्स्ट, कंप्यूटर फॉरेंसिक मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले तो कंप्यूटर को बंद किया जाता है, फिर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को कोई सिक्योर लोकेशन पे, फिर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क तो आजकल ख़त्म हो गई है. फिर उसका स्ट्रीम बैकअप लिया जाता है, फिर मैथमेटिकली वेरीफाई किया जाता है आपके सारे स्टोरेज डिवाइस को, फिर डेट और टाइम देखा जाता है डॉक्यूमेंट में आपके सिस्टम से, और लास्ट में जो भी सर्च कीवर्ड्स है उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है. विंडोज वेब की जो भी फाइल्स है उसको इवेल्युएट किया जाता है, फाइल्स लाइक को इवेल्युएट किया जाता है, और जो भी इरेज्ड फाइल्स है उन सबको भी इवेल्युएट किया जाता है, फिर जो भी सर्च फाइल्स है, फाइल्स लेक से, उन सबको कीवर्ड के हिसाब से देखा जाता है, फिर फाइल नेम, डाटास और टाइम देखा जाता है डॉक्यूमेंट का, और फाइल प्रोग्राम स्टोरेज को एनालाइज किया जाता है, और साथ में फिर प्रोग्राम की फंक्शनलिटी को इवेल्युएट किया जाता है, और उसके बाद जो फाइनली निकलता है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इसका फाइनेंशियल फ्रॉड. सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड ही किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपके लाखों करोड़ों रुपए कोई भी मतलब कोई बाहर देश में बैठा है वहाँ से निकाल लेगा, तो आप क्या कर सकते हो? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कोई गलत काम करना चाहता है, कोई गलत इरादे से करना चाहता है,
सिविल लिटिगेशन हो गया, कॉरपोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी एंड वायलेंस, कुछ भी हो गया. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक्स एप्लीकेशन. आपकी जो प्रोग्रामिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी में अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिक स्किल होनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए. आपके जो भी लेटेस्ट इंट्रोडक्ट टूल्स जो भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन दोनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोग सब कुछ सामने तो करते नहीं है, सब छुपा छुपा करते हैं, तो आप में स्किल होनी चाहिए कि उन जो चीज़ छुपा कर रहे हैं आप उनको भी पकड़ पाएँ. और जो रूल्स ऑफ एविडेंस है और जो एविडेंस की हैंडलिंग है जो मैंने आपको बताई है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए. और एबिलिटी टू बी अ एक्सपर्ट विटनेस इन अ कोर्ट, यदि आप बोलने में अच्छे हैं तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है. एंड इन लास्ट आई वांट टू से दैट कि कंप्यूटर इतने बढ़ गए हैं, इंटरनेट इतने बढ़ गए तो उसके कारण जो साइबर क्राइम रेट है वो बहुत बढ़ रहा है, तो प्रोफेशनली और सोशली हमें सब चीज़ों को संभालना पड़ रहा है. और यदि कोई भी क्रिमिनल है वो कोई भी फाइल डिलीट कर देता है, डैमेज कर देता है या उसको हाइड कर देता है और सोचता है कि वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है. आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो डैमेज फाइल और जो भी हिडन फाइल है उन सब चीज़ों को निकाल सके और उनको एक परफेक्ट मैनर में संभाल के रखे ताकि वो कोर्ट में लीगली एक्सेप्टेबल हो. एंड थैंक यू.